हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और पार्ट हमारा जो है आज का जो है हमारा पार्ट है वो है 11, पार्ट नंबर 11। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट नंबर 10 हम लोग बात कर चुके थे फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी कि निषेचन के बारे में, कि निषेचन क्या होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, कि निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद से कैसे कैसे फैलोपियन ट्यूब से जो जायगोट है वो आगे बढ़ते बढ़ते एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करके और एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर धीरे धीरे एम्बेडेड हो गया, मतलब कि आके वहाँ पे इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट का मतलब हो गया प्रत्यारोपित हो गया, और कैसे कैसे धीरे धीरे उसका विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे उसी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के जस्ट बाद से, जिसका नाम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है आपको मैं बता दूं बच्चों, कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है यानी कि प्रत्यारोपण होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए जो आप कल वाला डायग्राम जो आप देखे थे इस तरीके से था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से मैंने आपको फिगर बनवाया था। ये फिम्ब्री है जो दोनों तरफ होता है, ओके, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम ये लेयर हो गया, एंड लिगामेंट एंड ओवरी, लिगामेंट एंड ओवरी, दिस इज फंडस। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद से एक से ये दो सेल में डिवाइड होगा, दो से चार सेल, और चार के बाद से आठ सेल, और आठ के बाद से आपको पता है कि ये बहुत सारे सेल में, मतलब 16 सेल में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम लोग मारूला कहते हैं, मारूला, ठीक है, जिसमें इनर सेल मास और बाहर ट्रोफोब्लास्ट होता है। और मैंने ये भी बताया था कि ट्रोफोब्लास्ट ये जाके एंडोमेट्रियम लाइनिंग से अटैच हो जाता है, और ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन करने के बाद से, ब्लास्टोसिट बनने के बाद से धीरे धीरे ये इसके अंदर एम्बेडेड होने लगता है, धंसने लगता है, समझ में आ रहा है ना, ये इसके अंदर धंसने लगेगा, ठीक है, इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन याद रखिएगा, ये जब धंसता है तो धंसने के बाद से पहले इसमें से तीन जर्मिनल लेयर बनते हैं। कितने जर्मिनल लेयर याद रखिएगा, यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में जो ये धीरे से एम्ब्रियो जैसे ही अंदर की ओर बनना शुरू होता है, तो इसमें सबसे पहले तीन जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है यानी फॉर्मेशन होता है, थ्री जर्मिनल लेयर। वो तीन जर्मिनल लेयर का नाम क्या क्या है तो आपको याद रखना पड़ेगा, कि सबसे बाहर वाले को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, और बीच वाले को कहते हैं मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर वाला होता है इसको कहते हैं एंडोडर्म, और इसके अंदर होता है ब्लास्टोसील जो कि एक तरह का ब्लास्टुला होता है, इसमें गैस्ट्रुलेशन भी होता है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल में हम लोग समझेंगे कि आपसे थोड़ा इम्प्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण के बाद द इनर सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जो अंदर वाला जो सेल दिख रहा है आपको ब्लास्टोसिस्ट का, ये तीन जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, थ्री जर्मिनल लेयर का निर्माण करता है। अब ये तीनों जर्मिनल लेयर क्या क्या होते हैं ध्यान समझिएगा, सबसे पहले होता है एक्टोडर्म। तो आपको बता दें कि जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो ये तीन दिख रहा है, यही तीनों मिलके पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। एक तरह से इन तीनों को आप कह सकते हैं स्टेम सेल, स्टेम कोशिका या स्टेम सेल। स्टेम सेल ऐसे सेल होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसी कोशिकाएं जो हमारे पूरे शरीर का निर्माण करे या पूरे बॉडी को बनाए उसी को स्टेम सेल्स कहते हैं, और ये तीनों मिलके स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, या ये कहिए कि ये एक तरह के स्टेम सेल ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एक्टोडर्म के बारे में बात करेंगे कि ये क्या क्या बनाता है, किस महीने में बनाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद से हम लोग पढ़ेंगे किस महीने में कौन से बच्चे का कौन सा पार्ट आता है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्टोडर्म के बारे में। अब एक्टोडर्म क्या होता है, एक्टोडर्म जो आप ये जर्मिनल लेयर देख रहे हैं, जर्मिनल लेयर का सबसे बाहर का लेयर होता है जिसका नाम होता है एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म में क्या क्या बनाता है ध्यान समझिए, एक्टोडर्म जो होता है हेयर बनाता है यानी कि बाल, बच्चों के जो बच्चा पल रहा होता है पेट के अंदर गर्भ में उसका बाल बनाने में हेल्प करता है एक्टोडर्म। उसके बाद से नेल यानी कि जो उसका नाखून बनता है वो भी एक्टोडर्म से ही बनता है, याद रखिएगा। स्वीट ग्लैंड यानी कि जो त्वचा में जो ग्रंथियां होती हैं, पसीने की ग्रंथियां हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद से आंख हो गया, आईज, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो अभी कौन सा, जो मध्य वाला भाग होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो मिड पार्ट होता है उसको एक्टोडर्म बनाता है। इसके साथ ही साथ जो दांत का इनेमल होता है, टीथ का जो इनेमल होता है, जो हमारे बॉडी का सबसे
हार्डेस्ट मटेरियल होता है उसको भी एक्टोडर्म ही बनाता है। और एक और बात आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास बात कि एड्रिनल ग्लैंड का जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है, मेड्यूला एड्रिनल ग्लैंड का, वो भी एक्टोडर्म ही बनाता है। एक बात और याद रखिएगा, सलाइवरी ग्लैंड एंड लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है भाई? सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा का सिक्रीशन करता है, जिसमें एमाइलेज एंजाइम होते हैं और जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसका भी फॉर्मेशन करता है एक्टोडर्म, याद रखिएगा। उसके बाद से लैक्रिमल ग्लैंड जो आप देख रहे हैं, लैक्रिमल ग्लैंड क्या है? तो लैक्रिमल ग्लैंड का मतलब हो गया जो हमारा आंख होता है ना, ये आंख आपके पास ये वाला जो पार्ट होता है, इसी को यहीं पे होता है लैक्रिमल ग्लैंड, यहाँ पर और यहाँ पे। अब लैक्रिमल ग्लैंड से अगर आप देखोगे तो लैक्रिमल ग्लैंड के वजह से ही हमारा आंसू निकलता है, यानी कि जो हमारे आंसू निकलते हैं, जो आंख से पानी निकलना शुरू होता है, जिसको आप आंसू कहते हैं, वह इसी लैक्रिमल ग्लैंड से ही निकलता है। वन पेयर होता है ये, ठीक है, दोनों मिला के। तो आपको पता होना चाहिए लैक्रिमल ग्लैंड से ही आंसू निकलता है, मतलब कि हेयर, नेल, स्वीट ग्लैंड, आई, पिट्यूटरी ग्लैंड का मिड पार्ट, टीथ ऑफ इनेमल एंड मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड एंड लैक्रिमल ग्लैंड, ये सबको कौन बनाता है? तो याद रखिएगा, एक्टोडर्म, यानी कि ये था सबसे बाहर का लेयर जिसका नाम है एक्टोडर्म, ये इतनी सारी चीजों को बनाने में हेल्प करता है। ओके, जस्ट आफ्टर दिस अब हम लोग बात करेंगे मीजोडर्म के बारे में। अब मीजोडर्म में क्या करता है याद रखिएगा, मीजोडर्म ये आपको दिख रहा है, मीजोडर्म क्या क्या बनाता है? तो डर्मिस ऑफ स्किन, यानी कि जो स्किन का सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है ना, जिसको चर्म कहते हैं, चर्म हिंदी में कहा जाता है, डर्मिस का नाम होता है चर्म, यानी कि त्वचा का जब सबसे ऊपर वाला लेयर होता है ये, इसको कहा जाता है डर्मिस, डर्मिस ऑफ स्किन, मतलब कि चर्म जो लेयर होता है वो भी मीजोडर्म ही बनाता है। उसके साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यू, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इनको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, इनको भी बनाता है कौन? मीजोडर्म, याद रखिएगा। जस्ट आफ्टर दिस हमारे बॉडी के अंदर मसल्स, यानी जो मांस होता है, मांस को भी बनाने में मीजोडर्म ही हेल्प करता है। बोन्स यानी कि जो हड्डियां होती हैं हमारे हाथ में, पैर में, पूरे बॉडी में, 206 हड्डी होती है, जानते हैं आप लोग, लेकिन जो छोटे बच्चे जब अभी बन रहे होते हैं उस समय उनके बॉडी में 300 से भी अबव बोन्स होते हैं, समझ में आ रहा है? एक मेच्योरेशन टाइम होते होते, यानी 9 मंथ होते होते उनका नियर अबाउट 311 बचता है, और उसके बाद से धीरे धीरे जब वो पैदा होते हैं तो लगभग जब पूरी तरह से मेच्योर होते हैं 206 बोन हो जाते हैं। तो उस बोन को भी बनाने में और स्केलेटल सिस्टम जो तांत्रिका तंत्र होता है उसको भी बनाने में मीजोडर्म ही हेल्प करता है। जस्ट आफ्टर दिस जो आप याद रखिएगा, हार्ट जो कि पहले ही महीने में बन जाता है, याद रखिएगा, दिल का जो निर्माण होता है पहले ही महीने में होता है, यानी जब एम्ब्रियोनिक फेज में बच्चा होता है, जब पहले महीने में अभी होता है, पहला महीना जब उसका होता है उसी समय दिल बन जाता है, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना, हार्ट का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट मंथ। लेकिन ये एक्टिवेट कब होता है तो याद रखिएगा, 3 से 4 महीने के बाद ये धड़कना शुरू होता है। उसके साथ ही साथ ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स, इन सबको भी बनाता है मीजोडर्म। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी, यानी कि जो मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी कि जनन तंत्र जो होता है उसको भी बनाने में मीजोडर्म ही हेल्प करता है। कुल मिला जुला के मीजोडर्म क्या क्या बनाता है तो देख लीजिए, डर्मिस ऑफ स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, बोन, स्केलेटल सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फ एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सभी पार्ट को बनाता है कौन? तो मीजोडर्म, इस बात को याद रखिए। ओके, जस्ट इसके बाद से अब हम लोग बात करेंगे एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या है भाई? तो एंडोडर्म देख रहे हो, ये सबसे अंदर वाला जो लेयर दिख रहा है इसको कहा जाता है एंडोडर्म। इसके अंदर होता है ब्लास्टोसिल, जो पूरा कैविटी होता है उसको ब्लास्टोसिल कहते हैं, ये होता है एंडोडर्म। अब एंडोडर्म क्या बनाता है? तो जो शेष बचे हुए भाग है ना उसको एंडोडर्म बनाता है। अब कौन कौन से पार्ट है देख लो, मिडिल ईयर यानी कान का मध्य वाला भाग, उसके बाद से गैस्ट्रिक एंड इंटरनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस यानी पेट के अंदर जो पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस, ये भी एंडोडर्म ही बनाता है। साथ ही साथ इंटरनल ग्लैंड, इंटरनल ग्लैंड का मतलब हो गया जो आप देख रहे हैं लीवर, पैंक्रियाज, इन सबको भी यही बनाएगा, जिसमें से बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, और भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी, यानी इंटरनल जितने भी ग्लैंड होते हैं, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इन सबको बनाता है कौन? एंडोडर्म। तो आओ देखते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले बात मिडिल ईयर को यही बनाता है, उसके बाद गैस्ट्रिक एंड इंटरनल ग्लैंड को भी एंडोडर्म ही बनाता है, और उसके बाद मिडगट यानी कि जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब पार्ट को भी एंडोडर्म ही बनाता है। टंग यानी कि जो हमारा जिब है, जिससे हमारे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स जिसको कहा जाता है, जिससे हम लोग स्वाद का पता लगाते हैं, मीठा है कि तीखा है कि खट्टा है कि कड़वा है, कैसा है, इसका हम लोग पता लगाते हैं टंग के द्वारा।
समझ में आ गया। इसका भी फॉर्मेशन एंडोडर्मिस से होता है, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जो यूरिन जहाँ पे कलेक्ट होता है वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, इन सब का भी फॉर्मेशन एंडोडर्मी करता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलना चाहिए कि इंटरनल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी जो हम लोग सांस लेते हैं उसके इंटरनल पार्ट का भी फॉर्मेशन करता है एंडोडर्म। याद रखिएगा लीवर, अभी मैंने आपको बताया पैंक्रियास, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि का सबसे अग्र भाग को भी बनाने में एंडोडर्म ही मदद करता है। अब आइए थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। लिवर, यू नो वेरी वेल, लिवर जो होता है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, 1.5 केजी का होता है, जो बाइल को सिक्रेट करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को किल करता है, ठीक है। पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, मैं शॉर्ट वे में समझा दे रहा हूं, और इंसुलिन हार्मोन को भी सिक्रेट करता है जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन बनाए रखता है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, तो थायराइड ग्लैंड, पैरा थायराइड ग्लैंड ये सभी एक दूसरे के पास या गले के पास जुड़े रहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जस्ट इसके नीचे यहाँ पे जो हमारा ये बोन होता है ना, ये बोन एक होता है बड़ा सा बोन, ठीक है, एकदम सीधा जिससे चारों तरफ से रिब्स जुड़े रहते हैं। आपसे मेरा क्वेश्चन है उस बोन का क्या नाम होता है, ये पूरा एक खड़ा सा बोन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक और चारों तरफ से बोन्स निकले रहते हैं, रिब्स निकले रहते हैं, वो रिब्स सब एक दूसरे से ही जुड़े रहते हैं, उस बोन का यानी जो खड़ा वाला बोन है उसका नाम क्या है, जस्ट उसी के पीछे होता है थाइमस ग्लैंड। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे उस बोन का क्या नाम है, उसी के पीछे होता है और हार्ट के ठीक ऊपर होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है याद रखिएगा, थाइमस ग्लैंड जब बच्चा छोटा होता है तो थाइमस ग्लैंड बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो थाइमस ग्लैंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे बढ़ेगा उतना तेजी के साथ ये एक्टिवेट होता है और लिम्फोसाइट के सेल्स बनाते हैं जिसके वजह से हमको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी नहीं होते हैं। जितने बड़े होंगे उतने ही बड़े इनका थाइमस ग्लैंड, मतलब 10 साल का अगर मान लीजिए बच्चा हो गया 10 साल तक इतना बड़ा उसका थाइमस ग्लैंड हो जाता है यानी कि उसके अंदर इम्यून सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए इसका बॉडी पूरी तरह से हमेशा रेडी रहेगा। और याद रखिएगा जैसे जैसे अब 10 साल के बाद से थाइमस जैसे जैसे उसका एज और ज़्यादा होता है तो थाइमस ग्लैंड अब धीरे धीरे छोटा होने लगता है। मान लो कि और वो बड़ा हो गया, जितना भी बड़ा होगा अब वो थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाएगा, बूढ़ा होगा तो थाइमस ग्लैंड और छोटा हो जाएगा। यही वजह है कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके अंदर कोई भी अगर डिजीज़ हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होता है क्योंकि उनका थाइमस ग्लैंड जो होता है वो एंटीबॉडी ज़्यादा नहीं बना पाता है। आगे समझ में, क्यों थाइमस ग्लैंड के वजह से, थाइमस ग्लैंड हमारे बॉडी में एंटीबॉडी को बनाने में और लिम्फोसाइट के सेल्स को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर में, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए आपको बता दिया हूँ, याद रखिएगा। इसके बाद से एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अग्र भाग होता है वो जहाँ से आपको पता है LH हार्मोन और FSH हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH हार्मोन जो होता है ओवुलेशन में हेल्प करता है यानी कि जो अंडोत्सर्ग होता है उसमें ये मदद करता है। तो ये सभी चीज़ों को बनाने में कौन हेल्प करता है, एंडोडर्म। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये तीनों मिलके एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों मिलके हमारे समस्त पूरे होल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और ये पूरा टाइम कितना लगाते हैं तो याद रखिएगा नियर अबाउट 9 मंथ का टाइम लगाते हैं, 9 महीने का टाइम लगाते हैं, 9 महीने में पूरी तरह से कंप्लीट एक बॉडी बन जाता है। उसके बाद से पार्टोरेशन होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है, ये सभी पार्ट हम लोग जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, इतना आप लोग पढ़िए, कोई भी अगर डाउट है तो जरूर पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा कि ये जो बोन है, जो खड़ा वाला बोन है हमारे जिससे रिब्स कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, उसका नाम क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन ओवुलेशन में मदद करता है यानी अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन मदद करता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये दो हार्मोन होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, पहले तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, एंड्रोजन रहेगा वहाँ पे, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, मतलब मेल के बॉडी के किस पार्ट में, मैं तो आधा क्वेश्चन का आंसर पता ही है मेल के बॉडी में कौन से पार्ट में। और दूसरा मेरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये जो हार्मोन होता है ये फीमेल के कौन से पार्ट में डेवलप होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कौन से पार्ट क्या बनाता है, ये याद रखिएगा लाइफ टाइम तक ये काम आएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।